चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन। पहले बेसिक मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रांसलेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन? आप लोग अपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, तो क्या समझते हो ट्रांसलेशन से? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन, पहला सवाल उठता है। तो आप लोग जो ट्रांसलेशन, हाँ, क्या क्या समझते हैं? कन्वर्शन, यानी एक चीज को दूसरे चीज में बदल देना, जैसे पास्ट को फ्यूचर में बदल देना, उसको भी ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, काफी हद तक सही कह रहे हैं आप। ट्रांसलेशन जैसे इंग्लिश, जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, या इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको जापानीज में लिख देते हैं, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको उर्दू में लिख देते हैं, तो ये हो गया ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन का मतलब लैंग्वेज के टर्म्स में एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट होना। ठीक है, तो वैसे ही फिजिक्स में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन सबसे पहला सवाल उठता है। तो ट्रांसलेशन का मतलब एक तरह से ये हो गया वन पॉइंट टू अनदर। वैसे ही अगर आपको एक पॉइंट यहां पे मिला है, दो पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है दिल्ली और दूसरा पॉइंट है बॉम्बे, आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, ठीक है, दो पाथ है। अगर दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो या दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, तो एक ये पाथ हो गया, इसको स्ट्रेट लाइन पाथ कहते हैं, ठीक है, और ये दूसरा पाथ हो गया, दूसरा पाथ शो करता हूं मैं, ये हो गया दूसरा पाथ, ये कर्व्ड लाइन पाथ हो गया। दोनों तरीके से आप दिल्ली से बॉम्बे पहुंच रहे हो। दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो तो एरो ऐसे लगाओगे, अब बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हो, सपोज बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हो आप, तो एरो इधर लिखो, तो एरो या वेक्टर भी कहते हैं इसको। तो ये जो एक वेक्टर है या एरो है वो बता रहा है आपको डायरेक्शन, ठीक है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, किसी पाथ के अक्रॉस जा रहे हो, उस पाथ का कुछ लेंथ होता है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उस पाथ को आप कहते हो, इस शॉर्टेस्ट पाथ का कुछ नाम होता है। स्ट्रेट लाइन पाथ जो आप, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, आपको आइडिया भी होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं तो डिस्प्लेस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और बाकी जो भी है वो डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। अब देखिए, ट्रांसलेशन दो तरह का होता है, या तो आप एकदम स्ट्रेट बात पे चले जाओ, तो ये हो गया आपका लीनियर ट्रांसलेशन, और कर्व्ड पाथ पे चले जाओ वो हो गया नॉन लीनियर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सिंपल। कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन इन फिजिक्स, मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। So that is called translation. What do you mean by translation? Book में जो भी लिखा हुआ हो आप अपना अगर logic लगा के देखोगे तो ये होगा movement from one point to another is called translation. Another is called translation. It's called translation. Now, there is a second definition. Movement along a line.
मूवमेंट अलोंग ए लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. मूवमेंट अलोंग ए लाइन is called translation. Line is called translation. ठीक है, ये दूसरा डेफिनेशन हो गया. मूवमेंट अलोंग ए लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. मूवमेंट के लिए हम मोशन भी यूज करते हैं. वी कैन ऑल्सो से दैट मोशन अलोंग ए लाइन. मोशन अलोंग ए लाइन, मूवमेंट के जगह पे हम मोशन लिख सकते. ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने का प्रैक्टिस करोगे आप तो डेफिनेशन भी आपको अलग अलग तरीके से लिखना आ जाएगा. तो हमारा जो क्वेश्चन बना, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन, सबसे पहला क्वेश्चन बना. ट्रांसलेशन नाउ अलोंग अ लाइन. लाइन दो तरह का होता है. एक होता है स्ट्रेट. One line is straight. Another is curved. Curved line. So straight line or curved line. Now, so there will be two types of translation. Translation दो तरह का होगा. Translation को linear motion भी कहते हैं, ये भी लिख सकते हो. Translation is also called linear motion. Translation is also called linear motion. And linear motion is the motion along a line. Translation is also called linear motion. And what is linear motion? What is linear motion? It is the motion along a line. Motion along a line. ठीक है, क्लियर है. नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन. टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, हाउ मेनी टाइप्स? बेसिकली टू टाइप्स. स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशन स्ट्रेट लाइन को ही बहुत बार लीनियर कह दिया जाता है, लेकिन वो नहीं होता. स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशन और कर्व्ड ट्रांसलेशन, कर्व्ड लाइन ट्रांसलेशन. ठीक है, समझने के लिए सारा कंसेप्ट आप इससे क्लियर हो जाएगा आपका. कर्व्ड लाइन ट्रांसलेशन, ठीक है. तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लो यहां पे, जैसे यहां पे गोल पोस्ट है, ये ग्राउंड है, ये गोल पोस्ट है. इस गोल पोस्ट में एक पर्सन अपने लेग से किक कर रहा है इसको, और ये यहां पहुंचेगा. ये जब जा रहा है, ये लगेगा कि स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व जाता है. ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसलेशन नहीं है, कर्व ट्रांसलेशन है. दूसरा एग्जांपल देखो. एक आदमी है, हाथ में पत्थर है, इसको छोड़ दे रहा है, ये वर्टिकली गिरेगा. इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशन. वर्टिकल गिरेगा ये ग्राउंड है, ग्राउंड को इस तरह शो किया जाता है. ये भी ग्राउंड है, यहां पे इस तरह शो कर दो. ठीक है, तो ये गिरेगा इस तरह से, ये बॉल ऐसे गिरेगा, तो ये हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में जाता है. क्यों स्ट्रेट लाइन में आता है? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, ये तुम्हारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और तुम जब भी अर्थ पे रहते हो तो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहते हो, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहते हो. यहां पे मान लो तुम यहां पे हो,
वैसे भी ये अर्थ का जो पॉइंट है, इतना सा पॉइंट ही बहुत बड़ा होता है। तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा वेट जो डायरेक्ट सेंटर की तरफ जाता है, ये तुम्हारा, तुम टाइम से यहाँ पे रहोगे, ये यहाँ पे रहोगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट पे रहोगे, यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारा ऐसे वेट नहीं लगेगा, तुम्हारा वेट सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर तुमको खींचता है। तुम यहाँ हो, साउथ पोल पे हो, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है मान लेते हैं, और ये साउथ पोल है, तो यहां भी तुम्हारा वेट सेंटर की तरफ लगेगा, ये सेंटर है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सेंटर है, ये सब एग्जांपल तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस सेंटर की तरफ तुम गिरोगे। जैसे अर्थ में अगर होल होता तो डायरेक्ट हम यहां सेंटर पे पहुंचते, यहां पे, यहां पे आदमी तो गिरेगा किधर, सेंटर की तरफ गिरेगा, ऐसे मत गिरा देना उसको, ये वर्टिकल लगता है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल है जिसपे तुम, जिसपे तुम्हारा पैर रखा हुआ है, जमीन पे जो पैर रखा हुआ है, तो ये जमीन तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, उसके परपेंडिकुलर तुम्हारा वेट लगता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं वेट, और वेट का फॉर्मूला mg होता है। तो ये जो ग्रेविटी का इफेक्ट है, ये ग्रेविटी का इफेक्ट है कि तुम अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखते हो, ठीक है। तो इस तरह कुछ एग्जांपल है ट्रांसलेशन का। अब सपोज तुम नजदीक दूरी से पेड़ पे फायरिंग कर रहे हो, तो वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, तो वो भी स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशन होगा। जैसे यहाँ पे बुलेट है, ये है तुम्हारा हाथ में पिस्टल है, और चाहे उसको एंगल पे रखो या उसको हॉरिजॉन्टल रखो या कोई इंक्लाइन रखो, अगर वो हिट करेगा तो इतना ही स्पीड उसका होता है कि ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं आता उस पर, ठीक है। तो नजदीक से हिट करोगे तो यहाँ पे बुलेट का जो आपका वो है, जो बुलेट है वो यहाँ तक, इसमें बुलेट यहाँ पे पेनिट्रेट कर जाएगा स्पीड में, और गन से निकलते वक्त और पेड़ को लगते वक्त एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ रखता है, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशन है। साइमल्टेनियसली आप कैरम बोर्ड में जो हिट करते हो स्ट्राइकर को, तो ये सब भी स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाता है, पहला हिटिंग जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाता है, कर्व्ड पाथ पे जाएगा ही नहीं, ठीक है, वो कर्व्ड पाथ पे नहीं जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मोशन दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांसलेशन, दूसरा होता है रोटेशन, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है वो समझना है, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, पहला है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन तो आप समझ गए पूरी तरह से, और दूसरा है रोटेशन। ट्रांसलेशन में और रोटेशन में जो फर्क है वो हमको जानना है, अब वो देखते हैं फर्क। ट्रांसलेशन के केस में ये पॉइंट अगर यहां पे है, वो पॉइंट शिफ्ट होके यहां पे चला जाता है, यानी ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे जा रहे होते हैं, ठीक है, यानी हम डिस्प्लेस हो रहे हैं, वी आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड, वी आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड, गेटिंग डिस्प्लेस्ड। ये होगी। अब देखिए रोटेशन में,
पंखा का एग्जांपल लीजिए, आपके घर में पंखा रखा हुआ होगा, ठीक है, सब लगभग सेम ही लेंथ का ब्लेड है, एक पंखा का एग्जांपल ले लो, दूसरा लट्टू का एग्जांपल ले लो, या कोई लकड़ी का ऐसा बना हुआ है, उसको एकदम सेंटर पे उसके छिड़क दो, ये कर दो, एक कोई रॉड फिक्स कर दो और घुमाओ इसको, रोटेट करो, या फिर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसा मान लो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना रोटेशन और रिवॉल्यूशन में फर्क होता है। तो थोड़ा सा इसी को बड़ा पिक्चर बना देते हैं, अब यहां पे सेंटर है, मान लो यहां पे ये लकड़ी का बना हुआ है, तो यहां पे तो पार्टिकल्स होगा ना, यहां पे पार्टिकल्स होगा, ठीक है, यहां पे भी पार्टिकल्स होगा, हर जगह होगा, लेकिन हम दो पार्ट ले लेते हैं, दो सर्कल ले लेते हैं, यहां सेंटर बना दिया, ये सेंटर मान लेते हैं। अब एक बात देखना है यहां पे, यहां पे जो पार्टिकल है, सपोज यहां पे एक पार्टिकल है, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है, तो ये शिफ्ट होके मान लेते हैं यहां चला गया एक पर्टिकुलर टाइम में, फिर शिफ्ट होके यहां चला गया पर्टिकुलर टाइम में, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम में यहां पे पहुंच गया। इसमें क्या देख रहे हो, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं, क्या लग रहा है आपको, ये पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं, ये पोजीशन चेंज कर रहा है, पर इसमें एक चीज आप गौर कर रहे हो कि जब रोटेशन होता है तो ये दूरी जो है वो हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ये दूरी जो है वो हमेशा सेम रह रहा है, इसको कहते हैं प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन हो रहा है, ये भी घूम रहा है और भी पार्टिकल्स है, बाहर का भी जो बाहर में भी सारा पार्टिकल है सर्कल पे वो घूम रहा है, लेकिन उसका रेडियाई सेम हो रहा है। पर अगर सपोज यहीं पे एक बॉल होता और वो ट्रांसलेट हो गया, तो तुमको क्या लगता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स था एक सर्कल पे, वो यहां पे आ गया, वो तो अपना जगह चेंज कर लिया ना, वो तो अपना जगह चेंज कर लिया, अपनी एक्सिस यहां पे उसका एक्सिस था, अब उसका एक्सिस शिफ्ट हो गया। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन में आप देखोगे एक बेसिक फर्क है, एक बेसिक फर्क है, बता सकते हो क्या फर्क होता है, बेसिक फर्क क्या हो सकता है। अच्छा ये बताओ, ट्रांसलेशन के केस में एक्सिस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या रोटेशन के केस में एक्सिस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, बताइए, क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए। सो कुड यू प्लीज पार्डन, बॉडी में एक एक्सिस होता है, ठीक है, जो उसके सेंटर से पास करता है, जैसे सर्कल है या स्फीयर है, क्रिकेट का बॉल है, तो क्रिकेट के बॉल में तुम देखोगे एक एक्सिस बना सकते हो, सेंटर से पास करा दो कोई भी एक नीडल पास करा दो और तुम देखोगे वो उसका एक्सिस बन जाएगा। अब एक बात बताओ, वो एक्सिस ट्रांसलेशन के केस में चेंज हो रहा है या रोटेशन के केस में चेंज हो रहा है, एक्सिस ट्रांसलेशन के केस में फिक्स्ड है या रोटेशन के केस में फिक्स्ड है, पहला वाले में वो मूव कर रहा है, यस, ट्रांसलेशन में एक्सिस मूव कर रहा है और रोटेशन में एक्सिस, रोटेशन में फिक्स्ड है। हाँ, तो ये आप ये लिख लो, द एक्सिस, यहाँ पे दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा, सिर्फ एक्सिस से कारण फर्क पता चलेगा, ठीक है, लिखो, इन केस ऑफ ट्रांसलेशन, इन केस ऑफ ट्रांसलेशन एक्सिस इज मूवेबल, एक्सिस मूव्स
और इन केस ऑफ रोटेशन एक्सिस इज फिक्स्ड। रोटेशन के केस में एक्सिस फिक्स होता है और ट्रांसलेशन के केस में एक्सिस मूव होता है। इसे फैन में ही देख रहे हैं, ये फैन का एक्सिस कहाँ होगा भाई? यहीं पर। और फैन का तो देखोगे कि फैन एक एकदम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आर दूरी पे, यहां से देख लो आर दूरी, ये देख लो आर दूरी पे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और आर दूरी पे यहाँ पे पॉइंट ले लो, सर्कल बन जाएगा। तो ये हमेशा यहाँ का जो पार्टिकल है वो इसी सर्कल पे लाई करेगा और एक्सिस से एक फिक्स्ड दूरी पे है, एक्सिस से एक फिक्स दूरी जो आर दूरी है उस पर, इसी पे। बाहर का जो पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल देख लो, सबसे एकदम आउटर पॉइंट पे। अब ये भी देखना है कि आउटर पॉइंट का जो, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, आउटर पॉइंट का जो रेडियस है, आउटर पॉइंट का जो रेडियस है वो इस इनर पॉइंट के रेडियस से बड़ा है, ठीक है। और रेडियस क्या हुआ? रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट कंसर्न्ड, जो पॉइंट कंसर्न्ड है, या टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, या टू द पॉइंट ऑन द इनर सर्कल, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका डिफरेंस, बेसिक डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। चलिए अब आते हैं एक और डेफिनेशन देखते हैं। से रोटेशन है तो रोटेशन का एक डेफिनेशन है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे रोटेशन इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेशन इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ फोर्स। अब ये टर्निंग कैसे होता है ये जानेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ गए, बेसिक डिफरेंस एक्सिस से रिलेटेड होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एक टेबल बना रहे हैं, एक टेबल है, ये तीन केस है। फर्स्ट केस, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। मान लीजिए सेकंड और थर्ड नहीं है, फर्स्ट है,
तो ये टेबल किस तरफ पलटेगा, बायां साइड पलटेगा कि दायां साइड पलटेगा, बताइए। लेफ्ट साइड ये टिल्ट घूम के गिरेगा कि राइट साइड ये घूम के गिरेगा? तो फिर से बोलिए जरा। ये सपोज इसको मिटा दिए, ठीक है, देखो मिट गया ये। अब ये बंदा यहां पे है तो किस तरफ ये गिरेगा, लेफ्ट साइड घूम के गिरेगा कि राइट साइड घूम के गिरेगा? टेबल, टेबल लेफ्ट साइड घूम के गिरेगा या राइट साइड? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, करेक्ट। अब जैसे थ्री आ गया और वन हट गया तो किधर गिरेगा? ऑब्वियसली थर्ड साइड, राइट। और अगर इसको बैलेंस करना है, और इसको अगर बैलेंस करना है तो आदमी को कहां पे रहना पड़ेगा? यहां पे, यस और नो? यस सर। यानी बॉडी के सेंटर से अगर आप मूव करते हो, यानी लोड जो है, ये लोड हुआ ना, ये आदमी तो लोड है, भार है, हर चीज एक लोड है, तो ये अगर राइट साइड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब टर्निंग इफेक्ट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, सिंपल है। और ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो टर्निंग इफेक्ट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब दूसरा पॉइंट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये आपका ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल है। इस ग्राउंड पे एक हम ब्लॉक रख देते हैं, एकदम क्यूब, क्यूब की तरह क्यूब है, इधर से देख रहे हैं तो सिर्फ स्क्वायर दिख रहा है, कैसे रख। इसको घुमाने के लिए हमको फोर्स यहां पे लगाना होगा, राइट साइड घुमाना है तो किधर लगाना होगा? सर लेफ्ट साइड फोर्स लगाएंगे, यानी राइट साइड घुमाना है तो ये थ्री, वन टू थ्री है तो थ्री वाले को एक्टिव करना पड़ेगा, इसका भार बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे बॉडी के सेंटर पे तुम फोर्स लगाते हो एफ, ठीक है, तो ये घूमता नहीं है, लेकिन इस सेंटर से जो दूरी होता है तो ये घूमता है। ये यहां तो सेंटर से दूरी मतलब नहीं है, एक और बना लेते हैं यहां पे पिक्चर, यहां पे सेंटर बना दो उसका और यहां पे फोर्स लगा दो। अब अगर ये इसका साइड एस है, मिड पॉइंट कितने दूरी पे होगा दायां साइड से? एस बाय टू पे होगा, तो एफ इंटू एस बाय टू, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे टर्निंग इफेक्ट बढ़ता है, जैसे जैसे हम सेंटर के करीब जाते हैं वैसे वैसे टर्निंग इफेक्ट घटता है, ठीक है, ये आप देख रहे हो। और अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मोमेंट या रोटेशनल इफेक्ट, जिसको मोमेंट कहते हैं या टर्निंग इफेक्ट, तो बोलोगे एफ इंटू एस बाय टू, नॉट एस, ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे कॉमन एग्जांपल देखो, गेट का एग्जांपल, जैसे तुम्हारा एक दरवाजा है, तो अपने घर के दरवाजे को ही ध्यान से अगर देखो तो दरवाजा कुछ ऐसा होता है, ये मान लेते धरती है, भाई दरवाजा यहाँ पे घूमता है, यहां पे दरवाजा फंसा हुआ होता है, इसी के अबाउट घूमता है। तुम कभी यहां पे फोर्स लगा के देखना, दरवाजा नहीं घूमेगा, थोड़ा सा दूर लगाना दरवाजा घूमेगा, थोड़ा और दूर लगाना आसानी से घूमेगा, थोड़ा सा और दूर लगाना और आसानी से घूमेगा। ऐसा तुमने कभी किया है? करके देखना, करके देखना।
और एक एग्जांपल देखते हैं. एक रॉड ऐसा रख दो, इसको फंसा दो यहां से. ठीक है, ये मान लो छत है, ये छत है और ये इसके बाद घूम सकता है. तुम बोलो यहां पे फोर्स लगाने पे ज्यादा आसानी से घूमेगा कि यहां पे फोर्स लगाने पे? बोलो ऊपर या नीचे? ऊपर फोर्स लगाने से ज्यादा आसानी से घूमेगा वर्टिकल प्लेन में या नीचे? ऑब्वियसली नीचे. ऑब्वियसली नीचे. तो ये सब तुम देख लिए. हम देखिए, जैसे पंखा नहीं होता है, पंखा झूल रहा होता है, तो एक लकड़ी यहां पर ऐसा रख दो तो घूमेगा. तो उसका तीन पार्ट है यहां पर, या दो ही पार्ट ले लो. ये है S1 टॉप से दूरी और ये S2 टॉप से दूरी. ठीक है, अब इस पे फोर्स लगाओ, यहां पे एक फोर्स लगा दो. और S2 दूरी पे फोर्स लगा दो. इस फोर्स को हम कहेंगे F1 और इसको कहेंगे F2. ठीक है, हम लोग टॉर्क निकालना सीख रहे हैं. टॉर्क जो होता है या मोमेंट निकालना सीख रहे हैं. मोमेंट होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ध्यान रखो इस चीज को, मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. नोट भी कर लेना, मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. अब मोमेंट को डिनोट करते हैं, मोमेंट को डिनोट करते हैं, हेडिंग में दे दो मोमेंट. मोमेंट इज डिनोटेड बाय, मोमेंट इज डिनोटेड बाय, मोमेंट को डिनोट करते हैं हमसे. अब पॉइंट वन पे जो मोमेंट लग रहा है, मान लेते हैं इसको पॉइंट वन और इसको पॉइंट टू. मोमेंट एट पॉइंट वन कोई निकालने बोलेगा, मोमेंट एट पॉइंट वन बहुत सिंपल होता है. M1 मान लेंगे इसको और ये फोर्स और फोर्स की दूरी, फोर्स की कितनी दूरी है, F1 into S1, यानी जिस पॉइंट पे घूम रहा है, यानी एक्सिस से फोर्स की कितनी दूरी है वो निकाल लेना है. अलग अलग तरह का एक्सिस होता है, तुम ये एक्सिस मत मान लेना. परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, S1 जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ये वाला एक्सिस मान लो यहां, ये तो M1 हो गया, F1 into S1 यानी फोर्स into डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मोमेंट एट पॉइंट टू, मोमेंट एट पॉइंट टू हो जाएगा M2 is equals to F2 into S2. ठीक है, अब यहां से अगर प्रैक्टिकली देखो तो M1 से ज्यादा बड़ा M2 दिख रहा है क्योंकि दूर पे है. और अगर जीरो यहां पे करो, ये पॉइंट टॉप पॉइंट पे निकालो M0, M0 क्या हो जाएगा, F कोई फोर्स लग रहा है यहां पे, मान लेते हैं F0,
ये एफ नॉट, तो उसका दूरी तो कुछ है ही नहीं, एफ नॉट इंटू जीरो, तो मोमेंट एट 0.0 है, उससे बड़ा है मोमेंट एट 1 पॉइंट, उससे बड़ा है मोमेंट एट 2 पॉइंट, तो हम कह सकते हैं एम जीरो इज लेस देन एम वन, एम वन इज लेस देन एम टू, उल्टा लिखो एम टू ग्रेटर देन एम वन, एम वन ग्रेटर देन एम जीरो, सिंपल है, सिंपल है, नोट कीजिए इसको। सो नाउ देयर इज वन मोर डेफिनेशन एज पर फॉर्मूला, वो ये है कि मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंट किसका प्रोडक्ट है, इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का प्रोडक्ट है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, From axis of rotation, और यहां axis of rotation ये है, इसके about rotate करेगा ये, ऐसे ऐसे करेगा ये, ऐसे ऐसे move करेगा, जब इसको दायां side से hit करोगे बायां side की तरफ तो इधर जाएगा, बायां side से दायां side की तरफ तो इधर जाएगा, तो ऐसे ऐसे जाएगा, जिस तरफ बायां side धकेलोगे तो बायां side जाएगा, दायां side धकेलोगे दायां side जाएगा, मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये सर्कल बनाएगा बड़ा सा, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, नोट कर लीजिए। तो डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम, उसके बाद क्या लिखे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन नहीं लिखे हैं, लिख लो उसको, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, चलिए आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स।